How are you all? I hope you all are doing well. So, children, today in this class we are going to learn about time. So, let's start with that. Time is an ongoing sequence of events, it is shown by a clock. Okay, beta? A clock has two hands.

एंड द मिनट हैंड इज एट ट्व और मिनट हैंड हमारी ट्वेल्व पे होती है द टाइम इज़ फोर ओ क्लॉक ओके लाइक दिस आर एंड मिनट्स सो नाओ वी विल रीड अबाउट आर एंड मिनट्स वी नो दैट वन आर इज़ इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स हमें पता है एक घंटे में सिक्सटी मिनट्स होते हैं सो हाफ एन आर इज़ इक्वल टू सिक्सटी

द टू डॉट्स सेपरेट्स आर्स एंड मिनट्स और ये जो टू डॉट्स होते हैं ये हमारे आर्स को मिनट्स को सेपरेट करते हैं इन द सेम वे टू ओ क्लॉक इज रिटर्न एज टू डबल डॉट जीरो जीरो एंड नाइन ओ क्लॉक इज रिटर्न एज नाइन डॉट डॉट जीरो जीरो लाइक दिस ओके Write the time shown by clock in two different ways. One has been done for you. So, isme kitne beta? 5. So, write it 5 o'clock. Similarly, isme kitne 1. So, we will write 1 double dot and 0, 0. So, 1, 0 like this C, L, O, C, K. So, this is how we just write the time. And, and next... डबल जीरो डबल डॉट एंड डबल जीरो सो वी विल राइट सेवन लाइक सेवन ओ बेटा, दिस इज वेरी इजी टू राइट द टाइम ओके यू ओनली नीड टू डू प्रैक्टिस सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट वन ड्रॉ द आर हैंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स टू शो द गिवन टाइम ओके अब हमारे एट बज रहे हैं अब हमें क्या करना है इसमें आर हैंड को शो करना है सो लाइक दिस दिस इज एट वी जस्ट यू नो डू द लाइक दिस ओके सो दिस इज एट ओ क्लॉक सिमिलरली टेन कैसे बजेंगे हम इसको आर हैंड को टेन की तरफ कर देंगे नाइन कैसे बजेगा हम अपने आर हैंड को क्या करेंगे नाइन की तरफ कर देंगे लाइक दिस ओके सो दिस इज हाउ वी जस्ट ड्रॉ द आर हैंड ओके आई होप यू अंडरस्टूड so now half past when a minute hand or longer hand is halfway around the clock at 6 and our hand is in between two numbers then the time is half past the previous one okay look at the given clock the minute hand is at 6 and the hour hand is in the between 10 and 11 the time is half past 10 or 30 minutes आफ्टर टेन दिस इज ऑल्सो रिटर्न इज टेन डबल डॉट एंड थर्टी लाइक देश ओके बेटा सो दिस इज कॉल्ड हाफ पास्ट लाइक हमारा जो ये है टेन और इलेवन के बीच में हमारा ये आर हैंड है और मिनट हैंड हमारा होगा सिक्स में ओके आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ पास्ट नाउ मूव ऑन क्वार्टर पास्ट 15 minutes from a quarter of 60 minutes. Okay? The clock given alongside shows the time. Quarter past 7. It is written as like 7 double dot 15. Okay, beta? So, this is the concept of quarter past. Now, move on quarter 2. Okay? The time shown on the clock given alongside is 45 minutes past 3. Now, this is क्लॉक में टाइम हो रहा है ये कहेंगे कि ये फोर्टी फाइव मिनट पास्ट थ्री है ये हमारा ओके वी कैन ऑल्सो से इट इज क्वार्टर टू फोर ये हमारा चार बजने में पंद्रह मिनट है हम इस टाइम को ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज रिटर्न एज थ्री डबल डॉट फोर्टी फाइव ओके राइट द टाइम शोन बाई क्लॉक इन टू डिफरेंट वेज वन हैज बीन डन फॉर यू ओके बेटा सो so, ये कितने बज रहे हैं नाइन थर्टी सो नाइन थर्टी को कैसे लिखेंगे थर्टी मिनट पास्ट नाइन ओके सिमिलरली सेकेंड क्लॉक में हमारे कितने बज रहे हैं ये बज रहे हैं हमारे थ्री बज के फोर्टी मिनट सो राइट इट लाइक दिस थ्री डबल डॉट एंड फोर्टी और हम इसको कैसे लिखेंगे हम कह सकते हैं फोर्टी मिनट्स पास्ट थ्री तो हम लिखेंगे लाइक फोर्टी मिनट्स Past 3. Okay. So, this is the way of writing the time. So, these are the other clocks. You have to fill it by your own beta. Okay. So, now move on next. Draw the hands to show the given time. Up time is already given here. Now, you have to draw the hands of the clock. Okay. So, 4 batch 45 minutes. So, hum kya karenge? फोर और फाइव के बीच में हमारा आर हैंड होगी तो फोर और फाइव के बीच में लाइक दिस इट कुड बी लाइक समथिंग दैट साइड ओके एंड वी नो दैट फोर्टी फाइव हमारा कहां पर आएगा क्लियरली नाइन पे आएगा सो दिस इज हाउ टू ड्रॉ द यू नो आर हैंड और मिनट हैंड एट कैसे बजेंगे बेटा एट बजाने के लिए जो हमारी मिनट हैंड होगी वो सिंपली ट्वेल्व पे जाएगी और आर हैंड हमारी जाएगी जो कि थोड़ी सी छोटी होती है ये जाएगी हमारी एट पे ओके सो आर द अदर एग्जाम्पल बेटा यू हैव टू फील इट बाई योर ओन ओके नाउ नेक्स्ट वन मेक अ टाइम शेड्यूल फॉर संडे फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड ड्रॉ आर हैंड एंड मिनट हैंड ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक्स वेकअप कितने बजे उठते हो तो अप्रॉक्स बच्चे कितने बजे उठते हैं सिक्स ओ क्लॉक सपोज आप सिक्स ओ क्लॉक उठते हैं तो यू जस्ट यू नो ड्रॉ द लाइन लाइक दैट हैव ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं ये सबका अलग अलग भी हो सकता है सपोज हम छः बजे उठते हैं तो सात बजे कर लेंगे हम तो हम लिखेंगे सेवन एंड लाइक दिस सो दीज आर द टर्म्स लाइक प्ले विद योर फ्रेंड खेलने कब जाते हो रीड अ बुक बुक कब पढ़ते हो एंड सो ऑन यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द नीडल ऑफ दैट वन ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड सो नाउ नेक्स्ट वन डेज ऑफ द वीक दे आर सेवन डेज इन अ वीक वीक में सेवन डेज होते हैं मंडे इज द फर्स्ट डे एंड संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक हमें पता है the names of the days of the week in order are monday then tuesday wednesday thursday friday saturday and sunday okay today yesterday and tomorrow now let's read about that the present day is called today aaj ka today the day just before the present day aaj se is called yesterday

And Friday ke after Iga Saturday. So, this is the concept of better uh, today, yesterday and tomorrow. Okay. So, now move on next one. Answer the following questions. The first one has been done for you. Which day comes before Sunday? Sunday se pehle ki aata hai? We know that Saturday. Which day comes before Wednesday? Wednesday se pehle ki aata hai? Yes, Tuesday. So, write it like. टी यूसूजे ओके बेटा थर्ड वन इज विच डे कम्स आफ्टर फ्राइडे फ्राइडे के बाद में क्या आता है सो वी नो दैट आफ्टर फ्राइडे सैटरडे कम्स राइट इट एस ए टी यू आर डी ए वाई सैटरडे ओके सो दीज आर दर ब्लैंक्स बेटा यू जस्ट सोल्व इट वेरी नाइसली योर सेल्फ ओके सो नाव मूव ऑन नेक्स्ट वन वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम डन फॉर यू द स्कूल हॉलीडेज स्टार्टड ऑन ट्यूजडे ओके स्कूल हॉलीडेज हमारे ट्यूजडे को स्टार्ट होते हैं एंड द स्कूल ओपन अगेन ऑन सैटरडे और क्या होता है जब स्कूल दोबारा खुलते हैं तो वो सैटरडे को खुलते हैं सो हाउ मैनी हॉलीडेज डेट द चिल्ड्रन गेट तो बच्चों को कितनी छुट्टियाँ मिली क्लियरली ट्यूजडे से स्टार्ट हुआ था ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे

डे और कब तक बीमार पड़ा वो सैटरडे तक सैटरडे सो हाउ मैनी डेज वन टू थ्री एंड फोर सो वी कैन से दैट जितेश इन फोर डेज सो हम जस्ट लिखेंगे यहां पर फोर सो बेटा दीज आर द यू नो अदर एग्जाम्पल ऑफ दैट वन यू हैव टू प्रैक्टिस इट योर सेल्फ ओके सो नाउ मंथ्स ऑफ अ ईयर देर आर ट्वेल्व मंथ्स इन अ ईयर साल में कितने महीने होते हैं बारह दे आर जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेंबर अक्टूबर नवम्बर एंड दिसंबर द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ आर एज फॉलोज यू नो मंथ ऑफ द इयर ये मंथ ऑफ द ईयर है नेम ऑफ द मंथ ये नेम ऑफ द मंथ एंड नंबर ऑफ डेज जस्ट लाइक फर्स्ट फर्स्ट में क्या आता है जनवरी जनवरी में डेज कितने होते हैं थर्टी वन सेकेंड फेबररी फ़ेब्रुअरी में कितने होते हैं ट्वेंटी एट और ट्वेंटी नाइन समटाइम सेकेंड थर्ड मार्च देन अप्रैल देन मे सो दीज आर द यू नो नेम ऑफ द मंथ्स एंड दीज आर द नेम ऑफ द डेज यू ऑनली नीड टू डू प्रैक्टिस बेटा ओके जस्ट डू प्रैक्टिस दैन देन यू विल गेट योर आंसर सोन सो नाउ यू कैन सी दैट देयर आर सेवन मंथ्स लाइक जनवरी जनवरी मार्च में जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर इन अ ईयर च हैव थर्टी वन डेज ये सारे महीने होते हैं जिसमें थर्टी वन डेज आते हैं देयर आर फोर मंथस लाइक अप्रैल जून सेप्टेंबर एंड नवम्बर इन अ ईयर विच हैव थर्टी डेज और ये जो चार महीने आते हैं उसमें थर्टी डेज होते हैं ओके फेबररी इज द ओनली मंथ विच हैज़ ट्वेंटी एट और ट्वेंटी नाइन डेज ओके देयर आर थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन अयर एक साल में कितने दिन होते हैं 365. There are 366 days in a leap year. Or ek jo leap year hai, usme 366 days. In a leap year, February has 29 days. A leap year comes every 4 years. This is very important. You know, these are you just you know read it again and again and revise it. Okay. So I hope you understood. So now move on. Next one. Filling the blanks, the first one has been done for you. देयर आर ट्वेल्व मंथ इन अयर वी नो दैट एक साल में बारह महीने होते हैं सेकेंड डैश इज द सेकेंड मंथ ऑफ अ एयर साल का सेकेंड मंथ कौन सा होता है जनवरी फर्स्ट होता है देन फेबररी सेकेंड होता है सो वी जस्ट राइट फेब रियू एरी सो फेबर इज द सेकेंड मंथ ऑफ द एयर जुलाई इज द डैश मंथ ऑफ अयर जुलाई कब आता है सो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून एंड जुलाई सो जुलाई हमारा आता है सेवेंथ में तो so हम लिखेंगे जुलाई इज द सेवेंथ मंथ ऑफ द ईयर तो एस ई वी ई एन टी एच सो जुलाई इज द सेवेंथ मंथ ऑफ द ईयर वी कैन से दैट सो बेटा दीज आर द अदर एग्जाम्पल यू हैव टू फील इट बाई योर ओन ओके

अगस्त से पहले हमने क्या पढ़ा जुलाई तो हम लिखेंगे जुलाई जे यू एल वाई जुलाई ओके विच मंथ कम्स बिफोर जुलाई अब जुलाई से पहले क्या आता है हमने क्या पढ़ा था जून तो हम लिखेंगे यहां पर जून ओके सो बेटा दिस इज यू नो ऑल अबाउट फॉर लाइक जनवरी फरवरी मार्च तो You have to just fill it yourself, okay. So now next topic is our calendar. A calendar is a record of all the days in a year. It indicates time into days, weeks, and months. Okay. Calendar for 2023. So this is the calendar. Okay. By studying the calendar, we have learnt that hamnesika seven days. हमारे बराबर होते हैं वन वीक के ट्वेल्व मंथ्स इज इक्वल टू वन ईयर थ्री सिक्सटी डेज इज इक्वल टू वन लीप ईयर टेन ईयर्स मेक्स वन टिकट अबाउट फिफ्टी टू वीक्स इज इक्वल टू वन ईयर थ्री सिक्सटी फाइव डेज मेक्स वन ईयर अबाउट फोर वीक्स इज इक्वल टू वन मंथ एंड हंड्रेड ईयर्स मेक्स आर वन सेंचुरी So, this is very important, beta. You just practice it, okay? Again and again. Next, look at the calendar for the year 2023 given on the previous page and answer the following questions, okay, beta? On which day does the year 2023 begin? 2023 हमारा कौन से दिन पर शुरू होता है सो वी कैन क्लियरली सीन इट इज ऑन संडे नेक्स्ट हाउ मैनी डेज आर दियर इन फेबर ट्वेंटी थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सो टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फेब्ररी में कितने डेज होते हैं तो हमारे इसमें हैं ट्वेंटी नाइन ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर ओके सो बेटा विद दिस वी एंडेड द चैप्टर आई होप यू अंडरस्टूड वेल सो जस्ट कीप डूइंग प्रैक्टिस एंड डू रेस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर्स बाय योरसेल्फ